अगर आप इसी तरह से टेक वीडियो और डेली टेक न्यूज़ चाहते हैं और किसी भी गवर्नमेंट जॉब या ओ लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस रेड बटन को दबा के, और साथ ही इसके बगल में आप देख रहे होंगे बेल आइकन दिख रहा होगा, इसको जरूर आप क्लिक किया करें। दोस्तों क्या होगा, आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी हमारे चैनल पर आपके पास मैसेज के द्वारा आ जाएगी, जिससे आप उसको आसानी से देख सकते हैं। और इससे आपको एकदम फ्री है, आपको सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं कटता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वेलकम टेक वीडियो गुरु, मैं आपको और विकास आपका अपने चैनल में फिर स्वागत करता हूँ। तो आज मैं आपके लिए पेपर सोल्यूशन करने जा रहा हूँ, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे M4.2R4 यानी कि इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया का जो आपका पेपर है, ये पेपर आपके लिए हम लेके आए हैं 2014 का जनवरी का पेपर है, ये 2014 जनवरी का पेपर है। तो अब काफ़ी कम दिन बचे हैं, तो फटाफट पेपर को हम लोग सोल्यूशन करने हैं 2016 तक के। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार सोल्यूशन होगा, और पेपर आपको वेबसाइट से मिल जाएगा, इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो फटाफट देख लेते हैं, सिंपल से क्वेश्चन है और सारे सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप लोग जरूर प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ें। मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ कि आपको कोई कोचिंग और कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अगर डायरेक्ट स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप सीखें वहाँ से, अच्छी चीज़ है। और अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करते हैं और तो आप ज़रूर प्रीवियस ईयर के जितने पेपर हैं 10 साल के, उनको ज़रूर आपके पास सॉल्यूशन अवेलेबल होना ही चाहिए। अगर आपके पास कोई बुक हो चाहे ना हो, लेकिन आपके पास सारे पेपर की PDF फाइल आपके कंप्यूटर या मोबाइल में होनी चाहिए, और आपके पास सारे आंसर आपके नोटबुक में लिखे होने चाहिए, और आप उनको ही डेली डेली पढ़ते रहें, आपको पेपर उन्हीं में से मिल जाएगा। कुछ चीज़ें अलग आएंगी, तो एक दो नंबर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको डी ग्रेड भी मिल जाएगा तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ए स्मॉलर वर्जन ऑफ एन इमेजेस इज कॉल्ड, तो काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो स्मॉलर वर्जन ऑफ इमेजेस इज कॉल्ड आपका थंबनेल होता है, जो सबसे छोटा इमेज है आपका, तो 1.1 का ए हो जाएगा। 1.2 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वीडियो फाइल एक्सटेंशन, वीडियो फाइल एक्सटेंशन कौन सी नहीं है इसमें तो बताने, तो JPG आपकी देख के बता देंगे आप कि वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है, तो 1.2 का सी। 1.3 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू है, तो मीडी फाइल आर जनरली लार्ज देन वेब फाइल, वीडियो फाइल आर जनरली मच लार्ज देन ऑडियो फाइल, तो ये बिल्कुल सही है आपका, वीडियो फाइल आपकी बड़ी होती हैं बतौर आपके ऑडियो फाइल के। 1.3 का भी। 1.4 एंड इज डिजाइन टूल दैट शो दी ओवरऑल फ्लो ऑफ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन लिंक 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 नहीं प्रेजेंटेशन, तो लिंक है ग्राफिकल मैप, स्टोरी बोर्ड और गैंट चार्ट, तो 1.4 का सी है स्टोरी बोर्ड। 1.5 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ वर्चुअल रियलिटी, तो 1.5 आपका 3D हो जाएगा, ए 3D सिमुलेशन ऑफ ए रियल ऑफ इमेजाइंड इन्वायरमेंट यूजिंग कंप्यूटर्स। 1.6 हाउ मनी डिफरेंट कलर्स इज ए 16-bit इमेज कैपेबल ऑफ रिप्रेजेंटिंग, तो कितने तरह के कलर होते हैं डिफरेंट जो आप 16-bit में यूज़ होते हैं, तो 16-bit के लिए हो जाएगा आपका डी 65,536। इसी तरह से 32-bit का अलग होता है और इसका अलग होता है 16-bit का, तो 1.6 का डी। 1.7 वन ऑफ दी डिसएडवांटेज ऑफ मल्टी मीडिया, डिसएडवांटेज बताना है आपका, कॉस्टली है, एडेप्टेबिलिटी है, तो 1.7 का कॉस्टली हो जाएगा। 1.8 ए स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम यूज टू क्रिएट मल्टी मीडिया प्रेजेंटेशन इज ए मल्टी मीडिया ऑथरिंग प्रोग्राम, 1.8 का सी। 1.9 द मॉडल दैट इज बेस्ड ऑन द लाइट एब्जॉर्बिंग क्वालिटी ऑफ इंक प्रिंटेड ऑन पेपर इज नोन एज, 1.9 CMYK के मॉडल। 1.10 विद रेफरेंस टू मल्टी मीडिया एलिमेंट पिक द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग, तो 1.10 का हो जाएगा वॉइस स्क्रिप्ट, 1.10 का डी। तो ये थे आपके मल्टी मीडिया चॉइस, बहुत ही सिंपल से बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, आपके कोई डिटेल में नहीं इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, एकदम बेसिक से क्वेश्चन है, तो आप इनको जरूर तैयार कर लें। 2.4 लिखते हैं। 2.1 JPG से कंप्रेशन टेक्निक एंड यूज लूज लेस कंप्रेशन टेक्निक, तो बिल्कुल सही है ये। 2.2 मॉर्फ स्टैंड फॉर मैनिपुलेट स्टिल इमेजेस टू क्रिएट एनिमेटेड ट्रांसफॉर्मेशन, तो 2.2 का भी ट्रू है बिल्कुल।
इन इंटरलैकिंग दी इलेक्ट्रॉनिक बीम मेक टू पासेस ऑन द स्क्रीन वाइल ड्राइंग ए सिंगल वीडियो फ्रेम, तो 2.3 का हो जाएगा, बिल्कुल ट्रू है। 2.4 बिट मैप इज़ यूज टू क्रिएट 1 बिट पर पिक्सल टू इंडिकेट व्हेदर पिक्सल इज ब्लैक और वाइट, बिल्कुल सही है, ये भी बिट मैप यूज होता है इसमें। 2.5 स्कैनिंग टूल आर दोज टूल्स आर यूज टू एडिट एक्साइटिंग बिट मैप इमेजेस एंड पिक्चर, तो स्कैनिंग टूल्स 2.5 हो जाएगा, ये गलत है आपका। 2.6 OLE इज टेक्नोलॉजी फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन मल्टीपल एप्लीकेशन अंडर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम /14, तो बिल्कुल सही है ये भी। 2.7 इमेज रिजोल्यूशन एंड पिक्सल डायमेंशन आर नॉट इंटरडिपेंड, तो 2.7 का हो जाएगा आपको, फॉल्स। 2.8 ए कलर पैलेट इज ए प्लेट दैट हैज मल्टीपल कलर ऑन इट, तो 2.8 का ट्रू है। 2.9 ऑथरिंग टूल आर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट वर्क विद योर वेब ब्राउजर टू डिस्प्ले फ्रेमिंग, तो 2.9 का ट्रू है बिल्कुल। 2.10 ऑल वायरलेस नेटवर्क जनरेट RF वेव एंड हॉट स्पॉट, तो ये आपका बिल्कुल सही है, जितने भी वायरलेस आपकी होती हैं डिवाइसेस वो आपको जनरेट करती हैं RF वेव्स एंड हॉट स्पॉट आपको प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि आप लोग मोबाइल वगैरह में यूज़ करते होंगे। तो ये थे आपके ट्रू एंड फॉल्स, इसको नोट कर लें, फटाफट देखते हैं मल्टीपल चॉइस। 3.1 के इज CMYK स्टैंड फॉर, तो 3.1 का हो जाएगा आपका की, यानी कि जी। 3.2 ऑटोमेशन रेफरेंस, तो उसमें देख लेते हैं क्या होना चाहिए। हैविंग वन कंटेनर और सर्वर एप्लीकेशन ड्राइव अनदर एप्लीकेशन, ऑटोमेशन रेफरेंस, तो 3.2 का हो जाएगा आपका डी। 3.3 देखते हैं, रेंडरिंग दिया हुआ है, तो 3.3 का हो जाएगा आपके, ऑथरिंग टूल है आपका रेंडरिंग, तो 3.3 का जे। 3.4 इफेक्ट दैट चेंज वन इमेज इनटू अनदर, तो 3.4 का हो जाएगा आपका मॉर्फिंग, 3.4 का हो जाएगा मॉर्फिंग, इफेक्ट दैट चेंज वन इमेजेस इनटू अनदर में, तो उसको कहते हैं मॉर्फिंग। 3.4 वेक्टर ड्राइंग यूज होती है आपकी, तो 3.5 का हो जाएगा आपका, जो यहाँ देख सकते हैं ये दिया हुआ है 3.5 का एच होगा आपका आंसर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। 3.6 वर्चुअल रियलिटी पूछ रहा है, तो 3.6 का हो जाएगा, आप लोग जान ही रहे होंगे वर्चुअल रियलिटी क्या है, तो ये 3D एनिमेशन से जुड़ी हुई है, तो 3.6 का हो जाएगा आपका एफ। 3.7 पब्लिक डोमेन पूछ रहा है, तो 3.7 का हो जाएगा आपका फ्रीली होता है आपका विदाउट ए लाइसेंस, तो ये हो जाएगा 7 नंबर। 3.8 सेल्फ एक्सट्रैक्टिंग फाइल, तो एक्सिक्यूटेबल आर्काइव, ये सिर्फ सारे लॉजिक के क्वेश्चन, अगर आपने कंप्यूटर में ये चीज़ें यूज़ की होंगी तो आपको ये पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जब आप समझ जाएंगे सेल्फ एक्सट्रैक्टिंग फाइल क्या है, तो एक्सिक्यूटेबल जब आप RAR में JVNG फाइल यूज़ करते हैं तो उसमें आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करते हैं, तब तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा ये चीज़ें क्या होती हैं, डीकम्प्रेस क्या होता है, कंप्रेशन क्या होता है, और सेल्फ एक्सिक्यूटेबल आर्काइव क्या होता है, सारी चीज़ें उसमें आपको मिल जाती हैं। 3.9 देखते हैं, द मल्टीमीडिया ऑफ फाइनल मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, तो 3.9 का हो जाएगा आपका एक्सटेंशन ऑफ मल्टीमीडिया, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ऑल मीडिया कंपोनेंट फॉर फाइनल मल्टीमीडिया एप्लीकेशन इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ मल्टीमीडिया, तो 3.9 का ए। सिक्वेंसर दिया है 3.10 सिक्वेंसर, तो 3.10 का हो जाएगा आपका स्टोरेज सर्वर ऑफ मीडी डेटा, जहाँ पे आपका स्टोरेज सर्वर मीडी डेटा आपका स्टोर होगा वह सिक्वेंसर, तो 3.10 का हो जाएगा आपका ई। तो सारे नोट कर लें, यहाँ पे सारे आंसर मैंने टिक कर दिए, तो आगे बढ़ते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं।
तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है, बेसिक से सिंपल से। 4.1, द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग योर मल्टी मीडिया प्रेजेंटेशन इज नोन एज, 4.1 का डेवलपमेंट यानी कि एल, 4.1 का एल हो जाएगा। 4.2, इमेजेस मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पिक्सल्स आर कॉल्ड, 4.2 का हो जाएगा आपका डी, बिट मैप। 4.3, इस ए शॉर्ट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ म्यूजिक स्टोर्ड इन न्यूमेरिक फॉर्म, 4.3 का हो जाएगा आपका न्यूमेरिक फॉर्म में डी। जो भी आपकी ये शॉर्ट एंड आपके कोड जनरेट होके आता है, स्टोर होता है, तो वो आपका न्यूमेरिक फॉर्म में मीडी फाइल आपकी स्टोर होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा जी। कभी आपने मीडी फाइल यूज़ की होगी, ये आपके पहले के मोबाइल जो आते थे मतलब बिना कलर वाले, उनमें ये मीडी फाइलें आप म्यूजिक सुनते होंगे, वो आपकी मीडी म्यूजिक ही होती थी। 4.4, अनदर नेम फॉर 2D एनिमेशन, 2D एनिमेशन का अदर नेम क्या है, तो 4.4 का हो जाएगा सेल एनिमेशन, तो ये आंसर हो जाएगा ए। 4.5, MP3 इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ ए फाइल, MP3 का एक्सटेंशन ऑफ ए फाइल किसकी है, तो 4.5 का आप लोग बता सकते हैं, फाइल साउंड है, म्यूजिक, ऑडियो सारे आपकी मल्टी MP3 फाइल में आती है, तो ये हो जाएगा जी। 4.6, साउंड प्रेशर इज मेजर्ड इन, साउंड प्रेशर को आप जो साउंड की आवाज़ वगैरह होती है वो आप किस में मेजर करते हैं, तो 4.6 का हो जाएगा आपका डेसीबल्स, 4.6 का हो जाएगा डेसीबल्स एच, वॉट पे ना लगा दें, वॉट नहीं होगा डेसीबल होगा, इसलिए वहाँ पे वॉट दे दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। वॉट आपका 4.7, रिफर टू एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन इन्वॉल्व मोर देन वन टाइप ऑफ मीडिया एनिमेशन एंड साउंड, तो 4.7 का हो जाएगा आपका बी, मल्टीमीडिया। 4.8, टूल्स आर यूज टू मर्ज मल्टीमीडिया एलिमेंट इन टू ए प्रोजेक्ट, तो 4.8 का हो जाएगा आपका ऑथरिंग सी। 4.9, VRML इज, वी फुल फॉर्म दिया है आपका, तो 4.9 का हो जाएगा आपका, तो यहाँ देख सकते हैं VRML, अगर आपको नहीं पता तो इस तरह से आप ढूंढ सकते हैं, तो वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज एफ हो जाएगा इसका आंसर। 4.10, नेटवर्किंग इज इसेंशियल फॉर कम्युनिकेशन एंड शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस प्लेटफॉर्म, 4.10 का हो जाएगा आपका, देख लेते हैं क्या आंसर है, डायरेक्ट आई। तो ये थे आपके फिल इन द ब्लैंक्स, मैंने सारे आप पेपर हल कर दिया, तो कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और कोई भी दिक्कत अगर पेपर में आपको हो रही हो किसी भी चीज़ को लेकर, कोई डाउट हो, कोई डर लग रहा हो, काफ़ी लोगों को डर भी लग रहा है एग्ज़ाम देने से, तो जो लोग पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप पर्सनल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे लाइक कर सकते हैं, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपकी कोई भी समस्या हो आपका समाधान किया जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ चैनल जो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।